था पहले मुझे सिनॉप्सिस मेल पे भेज दीजिए, अगर मुझे सिनॉप्सिस देख के और आपका वर्क देख के फिर मैं आगे फॉरवर्ड। तो एक दो मैंने वैसे ही कॉल करते रहे, मैंने पूरा पढ़ा इस कैरेक्टर को, क्योंकि लता खरे मैंने तो सुना था और ये एक एज बीइंग अ वुमन मैं चाहती हूँ कि हर वुमन इसको देख के एक एनकरेजमेंट ले। तो मैंने जब हमारे पास आया तो मैंने मेरे पार्टनर को बोला था, प्रभाकर जी कैसा है, तो बोले देखो गीतांजलि हम अनीता जी को कनेक्ट करेंगे और अनीता जी को भी बहुत इंटरेस्ट आई ये कैरेक्टर करने में, तो उन्होंने कहा करेंगे। तो उनको हमने बुलाया, अनीता जी का डेट ले लिया था हमने कि अनीता जी ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर मिलने आ रहे हैं। सुबह हम लोग गए, मैं और प्रभाकर जी उनको पिकअप किए, गोरेगांव गए, अनीता जी से मिलवाए। तो अनीता जी ने कहा गीता जी अगर आपकी कंपनी इससे कनेक्टेड है तो मैं ये फिल्म कर रही हूँ। उसके पहले प्रभाकर जी और प्रोड्यूसर की बात हो रही थी, तो बोले कि आप मुझे हेल्प करो, हमको बहुत से लोगों ने इस पर ये किया। तो प्रभाकर जी बोले हम एक शर्त पे करेंगे, हमें कोई ये नहीं चाहिए, हमारा कंपनी का नाम आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टोरी है, रियल लाइफ पे बायोपिक है, तो हम करेंगे बट ये हमारा कंपनी इससे जुड़ना चाहिए। वो बोले यस, हम क्या हमारे साथ आप भी रहो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और प्रोड्यूसर जी बहुत सिंसियर, बहुत इनोसेंट थे, तो मुझे लगा कि प्रभाकर जी हमें ये करते हैं। और ये मैंने लेडीज़ पे है और मेरे दिमाग में फट से आया कि इसको बहुत से लोग देखेंगे और इंस्पायर हो जाएंगे, इसलिए ये हमने फिल्म को प्रमोट किया एंड वी आर एसोसिएटेड विद। शायद मेरा भाई है हमारे कंपनी का, मेरा बच्चा है वो, मैं बहुत से हम दूरदर्शन से काम बहुत कर चुके, बहुत इवेंट्स उन्होंने हमारे साथ किए, जब भी उनको था दीदी इतना पैसा ये है वो है, जो भी एक भाई बहन की तरह था। तो प्रभाकर जी और मैंने सोचा कि शायद को इसमें करेंगे, तो प्रभाकर जी बोले आप कॉल करके पूछ लो। तो मैंने पूछा तो बोले अरे दीदी ये तो घर का है, आप जो दोगे मैं लूँगा। तो ऐसा नहीं कि हम किसी को एक्सप्लॉइट करेंगे उनकी मेहनत, बट हाँ थोड़ा सा बजट इसका होगा। तो बोले दीदी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो दोगे मैं एक्सेप्ट करूँ। बताने वाली बात यह बद्या प्रोडक्शन की जो फिल्म है मैराथन, अपने आप में एक मोटिवेशनल बात है। प्रभाकर जी और दीदी गीतांजलि ने मुझे जब ये बताया तो मेरी ज़िंदगी भी ऐसी दौड़ धूप में गुजरी है कि कैसे मैंने स्ट्रगल करके गाने के लिए इस इंडस्ट्री में जगह बनाई अपनी, तो संघर्ष से जुड़ी हुई कहानी है। और इसमें मेरे हिसाब से आई एम द राइट सिंगर फॉर दिस सॉन्ग, क्योंकि मैं भी अपने आप को कहीं ना कहीं इस मैराथन से रिलेट करता हूँ, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं था और मैंने कोशिश करके इस इंडस्ट्री में छोटा मोटा कुछ हासिल किया है। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इस महान फिल्म में छोटा सा योगदान करने का मौका मिला। हर तरह के गाने बनते हैं, रोमांटिक गाने होते हैं, कुछ सैड होते हैं, कुछ पैपी नंबर्स होते हैं, डांसिंग नंबर्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उम्र के गाने होते हैं वो मोटिवेशनल सॉन्ग होते हैं। जब भी आप मंजिल के किसी पड़ाव पर राह के चौराहे पर अटक जाते हैं कहीं, तो आपको एक गाना चाहिए होता है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करे। तो इसमें जो गाना है वो वैसा ही कुछ है कि आप कहीं अपने सफ़र में कहीं अटके तो इस गाने को सुन के आगे बढ़ सकते हैं, और इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, लॉन्ग लाइफ और आगे आने वाली पीढ़ियों तक के सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी तो उन्होंने तो पूरा बता दिया कि कैसा क्या हो रहा है क्या नहीं है। मैं बोला जैसे डेढ़ साल पहले हमारा, हम जब अमरावती में थे, लता जी थे, अनीता जी थे और हमारा अंबदनी टीम था, वैसे अनीता जी हमारी बैंड एम्बेसिडर है। तो और अनीता जी का जो लगाव था लता जी से बहुत अच्छा था, और उधर हम लोग ने मराठी पिक्चर का प्रोमो देखा था, तो उधर से हमारा बात चल रहा था कि कुछ होना चाहिए इसका, हिंदी में होना चाहिए। तो अभी पिछले एक महीने पहले नवीन जी का जो डायरेक्टर है उनका फ़ोन आया और बात आगे चली। तो हमारा अभी हम ये बोल सकते हैं कि वी वेर द राइट पर्सन एट द राइट टाइम टू गेट द स्टोरी एंड टू बी इन्वॉल्व इन इट। फोटोशूट जब हमने, मुझे नवीन ने कहा ओपनिंग है उस दिन, पोस्टर चाहिए तो मैम फोटोग्राफ्स निकालना, एंड ही लिव्स इन बुल्ढाना, ही इज़ वर्किंग ऑन देयर। तो मैंने कहा प्रभा क्या करें हम, तो बोले करते हैं हम लोग। एंड फिर हमने उसको वो फ़ोटो को देखा, वो बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि अनीता जी भी स्लिम है, वो पूरा जो कुंकू कैसे लगाते, कहाँ पे लगाते, यहाँ पे लगाते, चूड़ियाँ क्या टिपिकल वो गांव के चूड़ियाँ, तो ये सब मैंने रात को उठ के ऐसे ना देखती थी फ़ोटो, अच्छा और ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और मुझे नींद नहीं लगती थी। तो अनीता जी को बोला पोस्टर निकालें, गीता जी इट इज़ नॉट सो ईजी टू रिमूव अ पोस्टर, वी हैव टू स्टडी।
मैंने अनीता जी को कहा मैं हम दोनों ने इस पे स्टडी किया है और इसका फोटो निकाला, अब फोटो कौन निकालेगा, मुझे तो ज़्यादा किसी पे ये नहीं है। तो मैंने मेरे बेटे को कहा आई फॉरवर्ड इट ऑल। जब हम प्रोफेशन में काम करते प्रभाकर जी में, हम बोलते कि प्रोफेशन अलग है पर्सनल अलग है, तो हमने कहा कि ये मुझे ऐसे ऐसे लुक चाहिए। तो मेरे बेटे ने कहा कि मामा आई गिव यू एग्जैक्टली दो। मेरा बेटा बहुत से बड़े बड़े करता रहता है, बट जब घर आता है तो हमें लगता है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बोला नो मामा मैं आपको एग्जैक्टली वैसे दूंगा। फिर हमने फिर साड़ी कैसे साड़ी होनी चाहिए, जूते कैसे होने चाहिए, मेकअप दादा को बोला मुझे कुंकू चाहिए टिकली नहीं, फिर वो थोड़े लाइन्स नो मेकअप एट ऑल, ऐसे करके हमने उसको पोर्ट्रेट किया। फिर कहाँ शूट करें, घर में तो नहीं हो सकता है। फिर हमने हमारी एक फ्रेंड थी उसका स्पेस था नीता सिंगल, उन्होंने अपना स्पेस दिया जगह दिया और फिर हमने वहाँ पे शूट किया ये पोस्टर। जब मेरे बेटे ने हमें फॉरवर्ड करके हम दोनों को दिखाया, वी वर वेरी हैप्पी कि हमको लगा जो हमें चाहिए वैसा हमें मिला है। तो हमने अनीता जी को फॉरवर्ड कर दिया, तो अनीता जी बोली कि अमेजिंग फोटोग्राफी, प्लीज सेंड मी एंड आई वांट हिम इन दिस फिल्म पूरे। और इस तरह से हमने पोस्टर का नहीं, ये सवाल बहुत मुश्किल था, लेकिन इतना मुश्किल है तो इतना मज़ा आता है मेरे को, क्योंकि पहली ही खुद का खुद रियल आर्टिस्ट बना के मैं फिल्म किया। और भी चैलेंजिंग रोल क्या है, तो मिट्टी में खेती का समय तो बहुत सवाल का है कैरेक्टर था, क्योंकि उसका बिना चप्पल में जाना पड़ेगा धूप से और भागना पड़ेगा, और तो ये कैरेक्टर इतना स्टार भी कर सकते, लेकिन स्टार भी हर स्टार नहीं कर सकते, लेकिन ये स्टार करने के लिए तैयार है ये बड़ी बात है। पहले इसके पहले ये इन एसोसिएशन हमारे क्रिएशन है ना, ये भी इसमें जुड़ा गया, जुड़ा हो गया भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये फिल्म मैक्सिमम स्क्रीन पे लेवल हाई लेवल स्टैंडर्ड में किया, तो इसके पहले एक साल बहुत काम किया था मेरा यूनिट पूरा, तो ये बड़ी बात है। और क्या है, इसमें कैरेक्टर्स रियल कैरेक्टर्स प्ले हो रहे हैं, तो अपन की सारा फिल्म आते हैं बायोपिक, ठीक है मैं बायोपिक बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये अच्छी इसके लिए पहले सबसे पहले मैं आपको मेरा प्रोड्यूसर कृष्णा सर की मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये कहानी सुन के इतना दूर तक आए तो बड़ी बात है। बहुत अच्छा खास काम है। पहले आपको मीडिया को नमस्कार बोल रहा हूँ। अभी हर एक स्त्री लोगों पूरों को इंस्पिरेशन आता है ये फिल्म देखने के बाद, हर एक लोगों को भी, ये देश को भी इंस्पिरेशन हो जाता। अभी आपके लिए भी पूछ रहा हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, ये थोड़ा मीडिया को भी बोल रहा हूँ, पूरों को आप ही एडवर्टाइजमेंट करना, इंस्पायरिंग फिल्म है, आप एक बार देख के आशीर्वाद करना, और लता अम्मा को भी आशीर्वाद करना है, ठीक है, क्योंकि इनके बात को मैं कंटिन्यू करूँगा। हम जब सेंसर को गए थे वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द मूवी अच्छी चलनी चाहिए, सेंसर वाले अच्छा यू नो एक्सेप्ट करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। तब वो बोले कि ये तो अवार्ड जाएगा, तब तक तो हमको अवार्ड की कोई सोच नहीं था, वी जस्ट वांट टू यू नो शो द यू नो सोल अबाउट द मूवी। तो जब वो जब ऑडियंस बन के जो सेंसर बोर्ड वाले हैं वो खुद आके बोले कि ये तो अवार्ड जाएगा ही जाएगा, सो देन वी ऑल गॉट pretty much confident about the film. See, I am the music director for this film. I am the music director for this film. How much is it challenging for this particular film? This is definitely a very big challenge for me. Not just see, for every each and technician it is a big challenge for this project, because ek love story banana, ek sorrow story banana, ek action story banana, to I mean maine ek 70-80 movies ka movie background score kiya hai. So it is a piece of cake. ऐसा एक inspirational movie और ऐसा challenging movie है, that too a biopic movie. ऐसे scripts को बनाना it's a big task, क्योंकि उतना emotion को किस तरह से अभी background score जो है उसको और next level में लेके जानी चाहिए, so वो perform उतना energetic performance को अभी music में prove कर लेना it's a big challenge for me as a music director. So I hope I will reach up to the mark. तैयारियाँ यही होगी कि कैरेक्टर इन्होंने अपने अपनी अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने हस्बैंड को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया,
कैसे स्ट्रगल किया. ऑफ कोर्स आई हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ दिस, आई हैव टू आस्क हर, मैं इनसे पूछना चाहूँगी, इनके बेटे से पूछना चाहूँगी कि किस किस दौर से ये गुजरे कि उनको ये कदम उठाना पड़ा. इनको कुछ पता नहीं था कि मैराथन क्या होता है, ये भी नहीं पता था कि भागने से पैसे भी मिलते हैं. और जब उन्हें पता चला कि ये भी होता है और इससे मतलब कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, कोई शूज़ नहीं, कोई फैंसी शूज़ नहीं, कोई फैंसी क्लोथ्स नहीं, ये साड़ी पहनी हुई है और बेयर फीट भागी हुई है, आई मीन इमेजिन द वुमेन्स विल कि क्या इनमें शक्ति आई जो उन्होंने ये किया अपनी फैमिली के लिए. तो दैट थिंग आई हैव टू रियली वर्क हार्ड ऑन. और मखमल में सोने से ये नहीं मिलेगा, वी हैव टू लिटरली, आई हैव लिटरली स्पीक टू हर, हैव टू नो कि क्या किया इन्होंने. मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बोला आई एम डूइंग इट. आई डिडंट इवन आस्क कौन है प्रोड्यूसर, कौन है डायरेक्टर. मेरे को गीता जी ने बोला कि अमित ने इज इन्वॉल्व, आई एम इन्वॉल्व, प्रभाकर जी इज़ इन्वॉल्व, द डायरेक्टर इज गोइंग टू कम टू मीट यू, प्रोड्यूसर इज गोइंग टू कम टू मीट यू. मतलब क्या बना रहे हैं आप, बोला इनकी पिक्चर डन. आई मैंने ना ए बी सी कुछ नहीं पूछा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू दिस कैरेक्टर. फिटनेस इज माई पैशन. और इमेजिन मैराथन एक फैमिली के लिए, एक हस्बैंड के लिए, एक इस क्या बीती होगी इस औरत पे जब उसने वो प्राइज मनी जीता होगा, यू नो. सो दैट रियली आई वॉन्टेड टू कम बैक. तो नहीं बोल सकते, मैंने अभी फिर 2 साल पहले किया था ऑफकोर्स इन बिग स्क्रीन, बट विद अ कैरेक्टर लाइक दिस येस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. ये तो हम अपने डायरेक्टर साथ बैठेंगे, उनके साथ बात करेंगे, फिर ये हमें कुछ बताएंगे क्या करना है. आई थिंक विल दिस इज गोइंग टू बी अ टीम वर्क. या दिस हैज टू बी अ टीम वर्क. लता मैम आपसे जानना चाहूंगा, आपका किरदार निभाने वाले हैं मैम, आप इनसे मराठी में बात करें, कैसा लग रहा है आपको, चांगले वाटते है मैडम? माझ्या जीवनावर पिक्चर तयार करतात, मला खूप अभिमान वाटतो आणि आनंद भी वाटतो. थँक्यू, धन्यवाद. थँक्यू. मैंने ग्लिम्स देखा था उसका जब हम नागपुर गए थे, और जैसे ही मैंने वो देखा था, मैंने बोला था, आप भी थे वहाँ पे, मैंने कहा था ये फिल्म किसने बनाई, बिकॉज वो फिल्म वो जैसे शुरू हुई, यू नो, इट टच माई हार्ट एंड लिटरली हैड टीयर्स इन माई आईज कि इसने, इन्होंने कुछ नहीं देखा कि क्या करना है, कैसे रास्ते हैं, क्या होगा, मैं गिरूंगी, मुझे लगेगा. उनका एक ही लक्ष्य था कि कैसे मैं अपने पति को बचा सकूं, ये उनका एम था. उनको कुछ नज़र नहीं आया, फिर ये ऐसे भागे जैसे देयर इज नो एंड टू इट. तो विल डिसाइड, विल सिट एंड विल डिसाइड व्हेन वी गोना शूट फॉर द. ओके, थैंक यू. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.